हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम करने जा रहे हैं माइनर जेई एडवांस पेपर सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है डियर, माई सेल्फ मनोज जांगेड, टीम केमिस्ट्री, सीएलसी सीकर। देखते हैं बेटा एडवांस के क्वेश्चन नंबर वन, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग रूट ऑफ रिएक्शंस आर टू एस आई सी एल टू वाटर के साथ कंबाइंड हुआ है, प्रोडक्ट ए का फॉर्मेशन कर रहा है, देन आफ्टर पॉलीमराइज होगा और प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन कर रहा है। कंपाउंड बी इन अबव रिएक्शन एज। ठीक है डियर, कंपाउंड बी क्या बनेगा, इसके लिए आप देखें किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, देखेंगे। तो बच्चों R2SiCl2 को कहेंगे डाई क्लोरो डाई एल्काइल सिलेन। R2SiCl2 डाई क्लोरो डाई एल्काइल सिलेन, जब इसको आप वाटर के साथ कंबाइंड करेंगे तो बेटा ये हाइड्रोलाइज होगा और R2SiOH का होल ट्वाइस बना लेगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो बेटा ये एल्काइल ग्रुप R यहाँ ऐड हो जाएगा, इधर OH होगा और इधर भी OH होगा, इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके मैनी मॉलिक्यूल्स, यहाँ N मॉलिक्यूल्स जब कंबाइंड होंगे, सपोज करो यहाँ पर सेकंड मॉलिक्यूल आया तो पॉलीमराइजेशन होगा, तो लीनियर सिलिकॉन फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा बेटा। कैसे, बिकॉज यहाँ से H और यहाँ से OH जब मिलेगा तो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा ये, और इसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी आएगा। इस तरह से मैनी मॉलिक्यूल्स जब कंबाइंड होंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर इस तरह की लीनियर चेन बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ से भी HOH माइनस H2O, ठीक है डियर, और इसको हम फ्री वैलेंसी कर देंगे H को रिलीज करके, तो इस तरह का एक लीनियर सिलिकॉन दिखाई देगा। सो आंसर विल बी लीनियर सिलिकॉन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, आंसर हो जाएगा सेकेंड। आगे चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें। XCF2 एंड XCF6 आर सेपरेटली हाइड्रोलाइज्ड, देन XCF2 और XCF6 को सेपरेटली हाइड्रोलाइज कर रहा है, क्या क्या मिलेगा ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो अगर XCF2 की रिएक्शन लिखेंगे आप, तो XCF2 को जब आप वाटर के साथ कंबाइंड करेंगे बेटा, तो आपको देखने वाली बात यह है कि एक तो मिलेगा बेटा XeOF2, ठीक है, XeOF2 ये बन जाएगा, ठीक है, साथ में HF का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो HF बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है, इस तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। XeO2F2 भी बन सकता है, 2 moles ऑफ वाटर ले लेंगे तो XeO2F2 बन जाएगा, ठीक है, और साथ में HF बनेगा और HF के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करेगा बेटा। ठीक है डियर, तो XeF2 जो है ऑक्सीजन देता है। XeF6 को जब आप वाटर के साथ कंबाइंड करेंगे बेटा, तो XeF6 का हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ, तो बच्चों यहाँ से XeO3 बनेगा और साथ में HF का फॉर्मेशन होगा, बट ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होगी बच्चों, इसलिए ओनली XeF2 जो है ये आपको ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा। इट मीन्स आंसर शुड बी थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए आपको ये रिएक्शंस याद रखनी है बेटा। तो XeF2 ओनली ऐसा है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, बट XeF6 यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर ओनली थर्ड जाएगा बेटा। ठीक है डियर, देन आगे चलें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। BOH होल थ्राइस प्लस NaOH, यानी कि बोरिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है NaBOH का होल 4, साथ में वाटर और मेटाबोरेट NaBO2 का फॉर्मेशन हुआ है। बच्चों रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा मिक्सचर में, ये आपसे कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एडिशन ऑन cis 1,2-diol, यानी कि सेम साइड में 2OH ग्रुप होंगे। सेकेंड कह रहा है एडिशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को तो ऐड कर ही नहीं सकते अपन, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ trans 1,2-diol, ट्रांस ऐड नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, OH रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम अपने को रिक्वायर्ड है, NaOH चाहिए, यानी कि OH रिलीज होना चाहिए। एडिशन ऑफ Na2HPO4, यहाँ से भी OH माइनस नहीं मिल पाएगा, तो NaOH की अमाउंट बढ़ानी, यानी कि बेसिक मीडियम इंक्रीज करना है, तो ऐसे केस में cis 1,2-diol से इजीली OH माइनस मिल जाएगा, जो कि लेस स्टेबल होगा,
इसलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए बेटा सिस वन टू डाई ऑल, जहां से इजीली बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है डियर। इसलिए थर्ड का आंसर देंगे फर्स्ट। आगे चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर देखें। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स इन गिवन रिएक्शन इज, तो बी एफ थ्री को जब एल आई एल एच फोर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बच्चों एक्स जो बनेगा यहां पर ये डाइबोरिन बनेगा बेटा, बी टू एच सिक्स का फॉर्मेशन होगा, और बी टू एच सिक्स के साथ एल आई एफ और ए एल एफ थ्री का फॉर्मेशन होगा। तो बी टू एच सिक्स को आपसे पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। तो अगर बी टू एच सिक्स की स्ट्रक्चर देखी जाए बेटा, तो ये एक ब्रिज बॉन्डिंग करता है इस तरह से, ये बी एच थ्री हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकेंड मॉलिक्यूल बी एच थ्री हो जाएगा, यहाँ पर एक वीक बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक वीक बॉन्ड होगा, और ये जो दिख रहा है ये ब्रिज बॉन्ड है, जैसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। वन सेंटर, टू सेंटर, थ्री सेंटर, और टू इलेक्ट्रॉन है ओनली इसमें, तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कितने होंगे ऐसा ये होगा, तो टू तो होंगे, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये टर्मिनल बॉन्ड टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऐसे कितने फोर बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है डियर। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं देखें, टू टू फोर टू सिक्स टू एट टू टेन एंड टू ट्वेल्व, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट करेक्ट है। फोर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बिल्कुल सही है, फोर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है, और टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है एक्स डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया, गलत बात है, डायबोरिन तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, और लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टू मोल्स लेंगे तो बी टू एस सिक्स डॉट टू एन एस थ्री का फॉर्मेशन कर लेता है, एडिटिव कंपाउंड बनाता है, क्योंकि ये कैसा है लुइस बेस है, और अमोनिया कैसा है लुइस, सॉरी बी टू एस सिक्स कैसा है बेटा लुइस एसिड है, ये लुइस एसिड है, और अमोनिया कैसा है बेटा लुइस बेस है, इसलिए सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, एडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा बच्चों, ठीक है। यहीं से लो टेम्परेचर पर एक्सेस ऑफ अमोनिया में बी थ्री एन थ्री एस सिक्स बोराजीन का फॉर्मेशन भी हो जाता है बेटा, ठीक है। इसलिए फोर्थ इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर क्या जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, इन इरिवर्सिबल रिएक्शन स्टडी ऑफ इट्स मैकेनिज्म सेज दैट बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है डियर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। फिर कह रहा है, इफ हाफ लाइफ ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टी हाफ इज 400 सेकेंड एंड दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन टी हाफ इज 250 सेकेंड, सॉरी अपन क्वेश्चन नंबर फाइव को छोड़ चुके हैं, पहले देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है, द एक्टिविटी पर एम एल ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज एक्स, हाउ मच वाटर एडेड टू 200 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन सो दैट द एक्टिविटी फॉल्स टू एक्स बाई 20 पर ml, यानी कि 1 ml के लिए आफ्टर फोर हाफ लाइफ, ठीक है डियर। तो देखेंगे बच्चों, इनिशियली नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे रखें फोर, और एक्टिविटी पर एम एल सोल्यूशन इनिशियली एक्स था, तो 1 ml की एक्स है तो 200 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है टोटल, तो इनिशियली एक्टिविटी कितनी हो जाएगी देखें, इनिशियली एक्टिविटी हो जाएगी 1 ml के लिए एक्स है तो 200 ml के लिए हो जाएगी 200x, ये इनिशियल एक्टिविटी है बेटा। तो इनिशियल एक्टिविटी 200x है इन क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है डियर। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स फोर है, तो रिमेनिंग अमाउंट निकाल लो आफ्टर टी टाइम, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, यानी कि रिमेनिंग एक्टिविटी कितनी बचेगी, ये अपन लिखेंगे इनिशियल एक्टिविटी इंटू 1/2 पावर हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ्स, ठीक है डियर। तो इनिशियल कितनी है 200x इंटू 1/2, हाफ लाइफ्स कितने हैं 4, तो 1/2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि रिमेनिंग जो एक्टिविटी है वो रह जाएगा 200x अपॉन 16, इतना एक्टिविटी बच रहा है बेटा। अब ये रिमेनिंग एक्टिविटी 200 ml के लिए बेटा, ये जो रिमेनिंग रिएक्टिविटी है ये कितने के लिए, 200 ml सॉल्यूशन की एक्टिविटी है बेटा, ये एक्टिविटी 200 ml सॉल्यूशन की है, हमको पर ml सॉल्यूशन की निकालनी बेटा, तो पर ml सॉल्यूशन यानी कि 1 ml सॉल्यूशन, पर ml सॉल्यूशन के लिए जब एक्टिविटी निकालेंगे तो ये हो जाएगी 200x अपॉन 16 अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 ml प्लस कितना वॉल्यूम ऐड कर दिया है, सपोज करो VML ऐड कर दिया है, तो ये तो हो गई रिमेनिंग एक्टिविटी इन 200 ml, पर ml में निकालनी है तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 प्लस VML ऑफ वाटर ऐड कर दिया है, बची कितनी एक्टिविटी बेटा,
बच्ची कितनी है? हाँ तो बेटा ये 200x/16 200 ml की है, पर ml के लिए मैंने टोटल वॉल्यूम 200 प्लस v वाटर ऐड कर लिया है, vml वाटर ऐड किया है, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और बची हुई एक्टिविटी को क्या लिख रहा है, x by 20। यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो x से x कैंसिल हो जाएगा फाइनली, ठीक है बच्चों मल्टीप्लाई में ना, इसलिए यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना बच रहा है 200/ यहाँ रह गया 16 इंटू 200 प्लस v और इधर कितना रह जाएगा 1/20। यहाँ से v का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो v की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 50 ml, ये आपका आंसर आना चाहिए 50 ml। इट मीन्स आंसर विल बी फोर्थ इन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है डियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, देखें क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन स्टडी ऑफ इट्स मैकेनिज्म सेज दैट बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ हाफ लाइफ ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टी हाफ फॉरवर्ड इज 400 सेकेंड एंड दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन टी हाफ रिवर्स इज 250 सेकेंड, ठीक है डियर। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पूछा है, के सी पूछा है, तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड पर डिपेंड करेगा बेटा। तो बच्चों सुन लो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, बेहतरीन बात, रिएक्शन की ऑर्डर पता है, फर्स्ट ऑर्डर है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो बच्चों आप टी हाफ का फॉर्मूला जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 0.693/k। तो यहां से टी हाफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं इसको लिखूंगा के फॉरवर्ड, तो यहां से के फॉरवर्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.693/t हाफ। टी हाफ कितना है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 400, तो यहां से तो आगे मेरे पास के फॉरवर्ड, इसी तरह से मैं के बैकवर्ड भी निकाल लूंगा बेटा, ये हो जाएगा 0.693/t हाफ। के बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितना है 250 सेकेंड। इस तरह से मैंने के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड निकाले बच्चों। अब के इक्विलिब्रियम जो होता है बच्चों, के इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड के रेशियो के बराबर होता है। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। यहां से के इक्विलिब्रियम निकाला जाए, के फॉरवर्ड कितना आया है 0.693/400, के बैकवर्ड कितना है 0.693/250। कैलकुलेशन कर देंगे फाइनली 250 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 400 रह जाएगा, ठीक है डियर। इसको कैंसिल करेंगे तो 5/8 बच रहा है और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 0.62 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है डियर। इस तरह से के इक्विलिब्रियम अपन फाइंड कर पाएंगे तो 0.625 के आसपास ही आंसर आ रहा है आपका, यानी कि 6th क्वेश्चन में आंसर 3rd जाएगा बेटा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फॉर द बाल्टिक सेल बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन 2Ag+ रिएक्ट्स विद कॉपर सॉलिड ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है Cu+2 एक्वा साइंस और साथ में क्या फॉर्म कर रहा है Ag सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है। द कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्वस आयंस एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 7 में आप रिएक्शन लिख लें, रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या दे रखी है बेटा, 2Ag+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड रिवर्सिबल ई फॉर्म Cu+2 एक्वस प्लस 2 moles ऑफ Ag सॉलिड, ठीक है डियर। आप सुने मेरी बात, चाहता क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो नेक्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो कांस्टेंट रहेगा
माइनस 0.0591 अपॉन एन वैल्यू 2 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सी यू प्लस 2, क्योंकि ए जी सॉलिड है तो 1 हो जाएगा ये एक्टिव मास, अपॉन में कौन बचेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस की पावर 2। इस तरह की नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगी बेटा यहाँ से। अब बच्चों सी यू प्लस 2 की कंसंट्रेशन को 2 फोल्ड कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है, ठीक है। सेम इफेक्ट ऑन द वोल्टेज यानी कि ई सेल इंक्रीजिंग ए जी प्लस 4 फोल्ड, ए जी प्लस को 4 टाइम्स करने पर ये इफेक्ट मिल रहेगा, ऐसा आपको यहाँ से चेक करना है। तो इसकी कंसंट्रेशन को 2 टाइम करेंगे और इसकी कंसंट्रेशन को 2 टाइम करने पर जो ई सेल मिल रहा है वो इसकी कंसंट्रेशन को 4 टाइम करने पर मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा, कभी भी पॉसिबल ही नहीं। ये तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत कम मिलेगा, यानी कि 4 स्क्वायर 16, नेगेटिव पावर क्या हो जा रही है, नेगेटिव वैल्यू घटती जा रही है, तो नेगेटिव वैल्यू घटेगी, नीचे वाली कंसंट्रेशन घटेगी, तो नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो ई सेल बढ़ेगा, और वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ई सेल क्या होगा कम घटेगा। 2 ही है वहाँ पे, ये 1/16 टाइम है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों में ई सेल सेम नहीं आ सकता, डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो एक को 2 फोल्ड और एक को 4 फोल्ड करके आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ई सेल का वैल्यू सेम नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन देखें, डिक्रीजिंग द कॉपर प्लस 2 10 फोल्ड हैज द सेम इफेक्ट ऑन वोल्टेज एज डिक्रीजिंग ए जी प्लस बाय द सेम रेशो, ये भी 10 फोल्ड कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है बेटा और यहाँ पे पावर 1 ही है। नेक्स्ट थर्ड देखें, डिक्रीजिंग द कॉपर प्लस 2 10 फोल्ड हैज लेस इफेक्ट ऑन द वोल्टेज देन डिक्रीजिंग ए जी प्लस बाय सेम रेशो। हाँ, कॉपर प्लस 2 का 10 फोल्ड कर दो और इसका भी 10 फोल्ड कर दो तो लेस इफेक्ट किससे मिलेगा, कॉपर से, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ तो 1 पावर में है और यहाँ 2 पावर में है, इसलिए लेस जो डिक्रीज देखने को मिलेगी वो कॉपर प्लस 2 से देखने को मिलेगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार, डबलिंग द साइज ऑफ द कैथोड हैज एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट ऑन सेल वोल्टेज ऑन डिक्रीजिंग द सीयू प्लस 2, गलत बात है, कैथोड की साइज को डबल करने से वोल्टेज पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है, उससे कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सी यू प्लस 2 कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स भी कर रहा है, ठीक है, ऐसा सिमिलर नहीं मिल पाएगा बेटा। तो ओनली आंसर थर्ड इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर ओनली थर्ड है, आगे चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एपी प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एपी प्लस 2 ई नॉट सेल दे रखा है 0.77, H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू OH माइनस एक्वास ई नॉट सेल दे रखा है बेटा 0.88 वोल्ट फॉर द बॉल्टिक रिएक्शन बिलो, कैलकुलेट एपी प्लस 2 कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर कैपिटल एम दैट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सेल पोटेंशियल इक्वल टू 0.16 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन OH माइनस आयंस आर 0.1 m एंड एपी प्लस 3 0.5 एंड H2O2 0.35 m, ठीक है डियर। और आपको ऑब्जेक्ट रिएक्शन भी दिया हुआ है, बेहतरीन बात यह है, देखें बेटा इन क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्ट रिएक्शन क्या है, 2 Fe plus 2 aqueous plus H2O2 aqueous reversibly gives 2 Fe plus 3 aqueous plus 2 OH minus aqueous, ये आपके पास ऑब्जेक्ट रिएक्शन है बच्चों। अब इस रिएक्शन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन वैल्यू देख लें रिएक्शन से आप, तो बैलेंस रिएक्शन आपके पास है 2 Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया है तो एन वैल्यू 1 आएगी बेटा, ठीक है। तो एन वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि यहाँ तो हो जाएगा Fe प्लस 3 की कंसंट्रेशन का पावर 2 और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का पावर 2, अपॉन में क्या मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 2 की पावर 2 और यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। ई नॉट सेल आपसे ई सेल 0.16 चाहता है और ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई नॉट से निकालेंगे, ई सेल ऑब्टेन करना चाह रहा है 0.16, ई नॉट सेल आ जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनॉड, तो देख सकते हैं Fe तो ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका मतलब एनोड पर रिएक्शन हुआ है, एनोड आयरन का है तो SRP ऑफ एनोड तो दे रखा है 0.77 और कैथोड पर रिडक्शन हुआ है H2O2 का तो ई कैथोड होगा बेटा
0.88, तो यहाँ से ई नॉट सेल हो जाएगा 0.88 ई कैथोड माइनस ई एनोड 0.77, ये आपके पास आ गया बेटा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन वैल्यू 1 लॉग बेस 10। कंसंट्रेशन ऑफ एपी प्लस 2 दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, निकालनी है। सॉरी, एपी प्लस 3 है ऊपर, तो एपी प्लस 3 कितना दे रखा है? 0.5 का स्क्वायर इंटू ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.1, इसका भी स्क्वायर अपॉन एपी प्लस 2 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है बेटा। इसको एक्स लिख लेंगे जो कि स्क्वायर में है, और H2O2 की कंसंट्रेशन वो 0.35 पावर 1 में है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी बेटा, इसे कैलकुलेट करें, और यहाँ से आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करने पर 0.6 m ऑप्टेन हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर बेटा सेकंड जाएगा, ठीक है डियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। कार्बन इज नॉट यूज इन रिडक्शन ऑफ Al2O3 ड्यू टू, कार्बन का यूज Al2O3 के रिडक्शन में नहीं होता बेटा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट इज नॉन मेटल, गलत बात। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज मोर, गलत बात। Al2O3 मोर स्टेबल होता है। प्योर कार्बन इज नॉट अकर्ड इजिली, गलत बात, मिल जाता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलुमिना Al2O3 इज मच हायर देन CO2, बिल्कुल सही है। एलुमिना इज मोर स्टेबल कंपाउंड, Al2O3 बहुत ज़्यादा स्टेबल है बेटा, और आयनिक कंपाउंड है ये, और बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आयनिक कंपाउंड है। लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो इसको आप कार्बन से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे केस में इसको रिड्यूस करने के लिए हॉल हेरल्ड प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। Al2O3 का रिडक्शन होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। एलुमिना मोर स्टेबल है, Al2O3 का रिडक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, ठीक है बच्चों। कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि कैसा ही मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इसका बहुत ज़्यादा होता है, एलुमिना की हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आंसर 4 दे देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर एनोड मर्ड ओनली गोल्ड होगा बेटा, क्यों? क्योंकि सिल्वर से नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ओनली कौन आ रहा है? गोल्ड आ रहा है। ध्यान रखें, जिसका SRP ज़्यादा होगा यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वही एनोड मर्ड की फॉर्म में मिल सकता है, एज कम्पेयर टू मेटल विच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड और विट इज इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। सिल्वर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं तो सिल्वर से नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन है बेटा? गोल्ड है, इसलिए केवल गोल्ड ही ऑप्टेन होगा जो कि लेस रिएक्टिव है बेटा, इसलिए 10th का आंसर 4 देंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 पैसेज पर आ जाओ, पैसेज को पढ़ो। द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द रिपीटेड रेस्पेक्टिव हाफ सेल्स कंटेन्स एक्वस 1.0 m सॉल्यूशंस ऑफ द सॉल्ट XCl2 एंड YCl3 गिवन दैट। दो सॉल्ट हैं XCl2 और YCl3, इनकी कंसंट्रेशन दे रखे बेटा 0.1 m, जो कि हाफ सेल के लाइक बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों एक बात सुनो, आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाकर दिया हुआ है जिसमें एक कंटेनर में तो XCl2 फिल किया हुआ डायग्राम में देखें, और एक कंटेनर में YCl3 ले रखा है जिसकी कंसंट्रेशन सिमिलर है बेटा, टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है। पूछा क्या है देखें, ई जो ई सेल है वो 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, ई सेल पॉजिटिव है ऐसा आपको पैसेज में दिया हुआ है, और रिएक्शन भी दे रखी है बच्चों। क्या रिएक्शन दे रखी है देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में पैसेज की बात कर रहा हूँ, पैसेज या पैराग्राफ फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 1 रिएक्शन है बेटा 3x सॉलिड प्लस 2y प्लस 3 एक्वास गिव्स 3x प्लस 2 एक्वास प्लस 2y सॉलिड और ई सेल इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0, इट मीन्स पॉजिटिव। ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, इट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा बच्चों। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट देखें, ए स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन मेड फ्रॉम मेटल एक्स इज पॉजिटिव पोलरिटी, पॉजिटिव पोलरिटी का मतलब कैथोड होना चाहिए, मेटल एक्स का बना हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड बनना चाहिए। तो देखें रिएक्शन से, एक्स तो ऑक्सीडाइज हुआ है बेटा, और ऑक्सीडाइज हुआ तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन किसका होता है? एनोड का होता है, तो एक्स नेगेटिव होगा और एनोड बनेगा। मेटल एक्स जो है बेटा, मेटल एक्स ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और ऑक्सीडेशन केवल किस पे होता है? एनोड पे, ध्यान रखना। तो एक्स जो है वो एनोड का फॉर्मेशन करेगा बेटा, मेटल एक्स एनोड के लाइक बिहेव करेगा, ठीक है डियर। फर्स्ट गलत हो गया। बी देखें, इलेक्ट्रोड वाई इज एनोड, गलत बात है। थर्ड, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम वाई टू एक्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होता है बेटा? ध्यान रखें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि x टू y जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए x टू y,
नॉट वाई टू एक्स, ये भी गलत है। द रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड एक्स इज एन ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही बात है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोड एक्स एनोड है, बिल्कुल ठीक है डी। पॉइंट ई, द सॉल्ट ब्रिज वुड मोस्ट लाइकली कंटेन सिल्वर नाइट्रेट, ये भी गलत बात है, क्योंकि क्लोराइड का सॉल्ट लिया हुआ है, क्लोराइड के सॉल्ट में सिल्वर नाइट्रेट को कभी भी सॉल्ट ब्रिज में नहीं भरा जाता, क्योंकि वहां पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता बेटा, क्योंकि एक्वो सॉल्यूशन में कौन है बेटा, क्लोराइड आयंस हैं, और क्लोराइड आयंस को जब AgNO3 को सॉल्ट ब्रिज में फिल करोगे तो ये AgCl का सॉलिड व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा जो कि मूवेबल नहीं होगा, ठीक है डियर, इस तरह से आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, PPT बना डालेगा, सॉल्ट ब्रिज को ब्लॉक कर देगा। तो ओनली डी स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, इसका मतलब 11th का आंसर ओनली सेकंड जाना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11th में आंसर जाएगा बेटा ओनली 2, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट डी इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए, सॉल्ट ब्रिज को रिमूव अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, ई नॉट एक्स टू एक्स प्लस टू चेंजेस, गलत बात है, स्टैंडर्ड वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। फिर कह रहा है ई नॉट वाई टू वाई प्लस थ्री चेंजेस, गलत बात है। फिर कह रहा है ई सेल ड्रॉप टू जीरो, बिल्कुल सही बात है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो हो जाएगा, ई सेल इंक्रीजेस, गलत बात है, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज रिमूव करेंगे बच्चों तो ई सेल का मैग्नीट्यूड शून्य जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो 12 में आंसर ओनली थर्ड देंगे बेटा। आगे चलें पैराग्राफ 2 पे आ जाएं, ए डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ H2 टू अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स 22.8 ml ऑफ स्टैंडर्ड केमेनबोर सॉल्यूशन, ये तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं ऑफ टाइट्रेशन आफ्टर 10 एंड 20 मिनट्स द वॉल्यूम ऑफ परमैंगनेट रिक्वायर्ड वर 13.8 एंड 8.25 मिलीलीटर रेस्पेक्टिवली गिवन ln 228 अपॉन 138 इक्वल टू 0.5 लेना है एंड ln 2280 अपॉन 825 1.01 लेना है, ठीक है। H2O2 का आपको अलग अलग वॉल्यूम कंसीडर करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करने के लिए K की वैल्यू लिखेंगे बेटा, बेसिकली K H2O2 सॉल्यूशन के लिए लिखा जाता है, K इक्वल टू दी 2.303 अपॉन टाइम, और यहाँ पर H2O2 के सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं बेटा V0 अपॉन VT, इस तरह से V0 और VT क्या है, पर KMN4 का सॉल्यूशन होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ KMN4 सॉल्यूशन लिखा जाता है V0 अपॉन VT, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम आफ्टर टी टाइम। तो के का वैल्यू अगर दोनों में इक्वल आ जाता है तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यहां लिखेंगे 2.303 अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि इनिशियली जो वॉल्यूम ले रहा है ये 22.8 ml ले रहा है वी नॉट अपॉन आफ्टर 10 मिनट इसका वॉल्यूम कितना रह गया है पर मैग्नेट का 13.8, ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे 2.303 अपॉन टाइम कितना ले रहा है 20 मिनट्स, और यहाँ लॉग बेस 10 कितना वॉल्यूम है इनिशियली तो वही रहेगा 22.8 अपॉन बाद में वॉल्यूम कितना रह गया है 8.25 ml, यहाँ से K निकाल लेंगे, तो आप देखना K1 और K2 निकाल कर, अगर K1 और K2 की वैल्यू इक्वल आ जाती है बेटा, इफ K1 इक्वल टू K2 देन ऑर्डर विल बी फर्स्ट, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है डियर, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलें क्वेश्चन 14, कैलकुलेट द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन टू दी हाफ कंप्लीटेड, यानी कि हाफ लैप पूछा हुआ है, तो आप के निकाल लेना, यहां से के निकालते ही क्या कर देंगे टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के कर देना बेटा, किसी से भी सॉल्व कर लेना, चाहे के वन हो चाहे के टू हो, दोनों से यहां से आप 50% कंप्लीट होने का मतलब ही क्या है, हाफ लैप पूछा हुआ है, हाफ लैप को यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के से, ठीक है डियर, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं बेटा पैराग्राफ 2, सोडियम सल्फेट इज एडेड टू मीट एज ए प्रेजेंट प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में सोडियम सल्फाइड को यूज कर रहा है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड को यूज कर रहा है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, अब फर्दर क्या कह रहा है, H2SO4 व्हेन द सफोकेटिंग गैस इवॉल्व टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल ठीक है। द गैस इवॉल्व वाज डिटेक्टेड एज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। द SO2 इवॉल्व वाज डिसॉल्व इन वाटर, इट रिक्वायर्स I2 सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज SO2 टू सल्फेट SO4-2, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों फर्दर आपसे कहा है रिएक्शंस दे रखें, SO2 को 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस I2 के साथ कंबाइन करेंगे तो सल्फेट बनेगा, साथ में 2I- बनेगा और H+ आयंस का फॉर्मेशन होगा H2SO4 के रिगार्डिंग। ओके देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में, SO2 एंड CO2 बोथ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग दीज गैसेज, SO2 और CO2 को डिस्टिंग करना है तो किस किस का यूज कर सकते हैं ये देखना है। K2CR2O7 को यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि K2CR2O7 बेटा ऑरेंज कलर्ड सब्सटेंस होता है। K2CR2O7 का ये सॉल्यूशन है जो कैसा है, ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन। SO2 कैसा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है, और एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr+3 ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 ऑक्सीडाइज होकर SO4-2 में चला जाएगा, इसलिए SO2 रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बिहेव करेगा, इसलिए इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड में KMnO4, बिल्कुल ठीक है, KMnO4 सॉल्यूशन का कलर बेटा पर्पल होता है इनिशियली, और ये SO2 के साथ जब कंबाइंड होगा तो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि कलरलेस होता है बेटा। तो SO2 गैस पोटेशियम परमैंगनेट के पर्पल कलर को डिकलराइज कर देगा, जहां से SO2 की प्रेजेंस का पता लग जाएगा। थर्ड में दे रहा है I2 सॉल्यूशन, ठीक है, अभी देख ही रहे हैं I2 सॉल्यूशन मतलब I2 प्लस वाटर प्लस SO2 गैस, ये रिएक्शन हो रहा है आपके सामने, तो आयोडाइड बनेगा, सल्फेट बन जाएगा, यानी कि जो आयोडीन का बॉयलेट कलर है वो डिसअपियर कर देगा, ये आयोडीन के बॉयलेट कलर को डिसअपियर कर देगा, आयोडाइड का फॉर्मेशन कर डालेगा। इस तरह का रिएक्शन देखने को मिले, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल दीज कैन बी यूज फॉर डिफरेंशिएट द SO2 एंड CO2 गैस, बट CO2 ऐसा नहीं कर पाएगा बेटा, ठीक है। इस तरह से अपन इनको तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। CO2 इटसेल्फ कलरलेस है, ऑडरलेस गैस है, और CO2 में सल्फर पे CO2 में कार्बन पे चार्ज कितना बेटा +4 है, तो CO2 इटसेल्फ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, बट SO2 में सल्फर पे जो चार्ज है वो कैसा है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के लिए बिहेव कर सकता है बेटा, जबकि CO2 रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है डियर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, SO2 गैस इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज, SO2 गैस को व्यंजक चूर्ण के रूप में प्रयोग किया जाए तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो बेटा रिड्यूसिंग टाइप की होगी और टेम्पररी नेचर की होगी। ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा इसलिए कह रहा है बेटा जब SO2 को मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाता है एक्व सॉल्यूशन के साथ, ये SO2 जब 2H2 के साथ कंबाइंड होगा बेटा तो ये सबसे पहले H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा, साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करेगा बेटा, और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ना बेटा, ये नेसेंट हाइड्रोजन कैसा है, रिड्यूसिंग नेचर का है, और नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से जो ब्लीचिंग होता है वो टेम्पररी नेचर का होता है, टेम्पररी नेचर का होता है। क्यों होता है टेम्पररी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये एयर की प्रेजेंस में बेटा वाटर का फॉर्मेशन वापस से कर लेता है, तो कलर जो डीकलराइज हुआ है वो वापस से रीगेन कर लेगा, वापस कलर मिल जाएगा, तो आंसर देना पड़ेगा टेम्पररी एंड ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग एक्शन, आंसर शुड बी सेकेंड फॉर 16th क्वेश्चन। आगे बढ़े बेटा पैसेज नंबर 3 की बात करते हैं, पैसेज नंबर 3 में कुछ रिएक्शंस दे रखे बेटो, इन रिएक्शंस को अच्छे से याद रखेंगे कॉपी में, ऐसे क्वेश्चंस वर्कशीट में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। पैराग्राफ 3 में पी सब्सटेंस है कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्यू कंपाउंड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है डियर। तो पी सब्सटेंस क्या होना चाहिए पहले तो ये चेक करो, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है क्लोरीन के कॉन्टेक्ट में आके। ओके अब क्यू सब्सटेंस जो है H2 के साथ कंबाइंड होगा तो R+HCl बनेगा, ठीक है। अब बोरोन नाइट्राइड के साथ वाटर को कंबाइंड करेंगे तो कंपाउंड R ही बन जाता है और अमोनिया इवॉल्व होती है हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। फिर Q को AlAlH4 के साथ कंबाइंड करते तो S बनता है बेटा, B2S6 बनता है, तो इसका मतलब Q जो है वो BF3 होना चाहिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड होना चाहिए।
यहाँ पर जो क्यू कंबाइंड है ये क्यू होना चाहिए बेटा बी एफ थ्री बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। और बी एफ थ्री की रिएक्शन जब बेटा वाटर से करेंगे, बी एफ थ्री को जब एच टू के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बी ओ एच का होल थ्राइस बना लेगा बेटा, बी ओ एच का होल थ्राइस बना के एच सी एल रिलीज कर देगा। इसका मतलब ये आर है, आर कौन है, बोरिक एसिड है, आर होगा बेटा बोरिक एसिड बी ओ एच का होल थ्राइस, क्यू कौन हो चुका है बी एफ थ्री, ठीक है। अब बी एफ थ्री कार्बन के साथ कम मिला होगा और क्लोरीन भी कंबाइंड किया है, इसका मतलब कोई ना कोई बोरोन वाला कंपाउंड रहा होगा। तो पहले क्या बना होगा, क्लोरीन के साथ तो बी सी एल थ्री बनेगा, अगर फ्लोरीन होगा तो बी सी एल थ्री बी एफ थ्री बनता, परंतु यहाँ पे एच सी एल बना रहा है। हाँ सुपरस्टार, हमसे गलती क्या हो गई, ये अगर बी एफ थ्री वाटर से करेगा तो यहाँ एच एफ बनना चाहिए था, बट ये तो एच सी एल बना रहा है। इसका मतलब बी एफ थ्री के प्लेस पर क्या होना चाहिए बच्चों, ध्यान देना, बी सी एल थ्री होना चाहिए। ये क्यू जो होगा ये क्या होगा बेटा, बी सी एल थ्री होगा क्योंकि एच सी एल बना रहा है, तो क्यू बी सी एल थ्री है। क्यू तो कौन है, बोरोन ट्राइक्लोराइड बी सी एल थ्री, आर कौन है, बी ओ एच का होल थ्राइस, और जो एस बनेगा बेटा ये एस बनेगा डाइबोरिन बी टू एच सिक्स बनेगा, जब आप रिएक्शन करोगे एल आई एल एच फोर के साथ, तो एस बन गया बी टू एच सिक्स। एस की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, यानी कि बी टू एच सिक्स का रिएक्शन फर्दर हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन की नंबर इसमें और इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है डियर। ये कंपाउंड आर एच टू के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड आर यानी कि आपको वापस से डायबोरिन का फॉर्मेशन, ये बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। कंपाउंड आर कौन है, बी ओ एच का होल थ्राइस, यहाँ डायबोरिन, ये एच टू के प्लेस पर बेटा वाटर होना चाहिए, यहाँ पर डायबोरिन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बी ओ एच का होल थ्राइस बनता है बेटा। इसमें करेक्शन है, ये 0.5 में एस प्लस एच टू के प्लेस पर एस प्लस एच टू होना चाहिए, तो एस प्लस एच टू ओ से आर यानी कि बी ओ एच का होल थ्राइस वापस बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी बच्चों। फिर कह रहा है बी टू एच सिक्स को एन ए एच के साथ कंबाइंड कर दें, बी टू एच सिक्स को एन ए एच सोडियम हाइड्राइड के साथ कंबाइंड कर सकते हैं, ये आयनिक कंपाउंड है, एन ए प्लस प्लस एच माइनस में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है डियर। और ये आयनाइज हो जाएगा बी एच थ्री, बी एच थ्री में टू मोल्स ऑफ बी एच थ्री, यहाँ से टू मोल्स लेंगे तो एच माइनस को कंबाइंड कर लेगा ये, तो बी एच थ्री एच माइनस से लोन पर एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि लुइस बेस है बेटा, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा एन ए बी एच फोर, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको टी नाम दिया है इन्होंने, तो टी हो जाएगा एन ए बी एच फोर, ठीक है डियर, ओके। तो पी क्या है, पी को हम लेंगे बेटा बोरोन एलिमेंट, पी यहाँ पर अपने को बोरोन नॉन मेटल लेना पड़ेगा, पी जो है वो बोरोन नॉन मेटल है, पी तो है बोरोन नॉन मेटल। अब मैं सबको एक साथ लिख रहा हूँ बेटा, इधर देखना, पी तो क्या हो गया बोरोन एलिमेंट या नॉन मेटल, क्यू क्या है बेटा देख सकते हैं आप रिएक्शन से, क्यू आपने बनाया था बी सी एल थ्री बोरोन ट्राइक्लोराइड क्योंकि क्लोराइड है एस सी एल निकला है, आर क्या है बेटा आप देख सकते हैं बोरिक एसिड बी ओ एच का होल थ्राइस या एच थ्री बी ओ थ्री, एस क्या है बेटा डाइबोरिन बी टू एस सिक्स, और टी क्या है बेटा ये कॉम्प्लेक्स एन ए बी एच फोर है। इस तरह से अपन इस पैसेज को सॉल्व करेंगे बेटा, ये थे सारे कंपाउंड्स। अब ऑप्शंस वाइज देखते जाएं, कंपाउंड क्यू क्या रखता है, जीरो डाइपोल मोमेंट, सही बात है बेटा, क्योंकि बी सी एल थ्री कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा, इस तरह से नॉन पोलर होगा, म्यू इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है यार, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इसमें, तो जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, ए प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बात है, एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बिल्कुल सही बात है, तो 1 2 3 सही है, लुईस बेस हो नहीं सकता है, तो ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि 17th का आंसर थर्ड देंगे। आगे चलें 18th में देखें, कंपाउंड टी इज यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड है या लिथियम टेट्राहाइड्राइड है, LiAlH4, ये सारे कैसे होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18th का आंसर 4 दिया जाए, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। ये जो NaBH4 है, टी जो है ये कैसा है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट के लाइक बिहेव किया जाता है, ठीक है डिया, 18th आंसर 4। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 पे चलते हैं बेटा, पैराग्राफ 5
क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, MnO2 को KOH के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर फ्यूज्ड किया जाए तो बच्चों पहले बनता है K2MnO4। ये K2MnO4 के फॉर्मेशन की मेथड का स्टेप फर्स्ट है बेटा। पोटेशियम परमैंगनेट के फॉर्मेशन की रिएक्शंस जब अपन देखते हैं तो उसमें स्टेप फर्स्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, स्टेप फर्स्ट मिलता है बच्चों K2MnO4, यानी ग्रीन कलर्ड कंपाउंड पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है। और बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं K2MnO4 का, तो KMnO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, एनोड पर चला जाता है MnO4-2, MnO4- में ऑक्सीडाइज होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपकी रिएक्शन ऐसी बनेगी बेटा, MnO2 प्लस KOH प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके बनाते हैं बेटा K2MnO4, और इसे कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट जो कि ग्रीन कलर्ड कंपाउंड है। ये बनेगा बच्चों, ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, ठीक है डियर। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात कर रहे हैं आप, तो बच्चों MnO2 ये अच्छा डेकोन्स प्रोसेस लाइक है, MnO2 को 4 moles ऑफ HCl के साथ कंबाइन करते हैं तो MnCl2 बनता है, साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है डियर। अब यहाँ Mn+2 में है और यहाँ क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो रहा है, तो Mn+2 एंड Cl2 गैस ऑब्टेन हो जाएगा, Mn+2 एंड Cl2 गैस इवॉल्व होगा बच्चों, आंसर जाएगा सेकेंड फॉर क्वेश्चन नंबर 20। इस तरह से अपने ये पैसेज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देखेंगे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, लेड नाइट्रेट हीट किया जा रहा है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लेड नाइट्रेट क्या प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस, मोर देन वन आंसर्स, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को जब टेम्परेचर देंगे तो PbO बनेगा, NO2 गैस रिलीज होगी, साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है बेटा, इसको आप बैलेंस करके लिख सकते हैं, तो 2NO2 इवॉल्व कर लेगा, कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, और यहाँ हो जाएगा 1/2 O2 6 ऑक्सीजन, तो PbO है 1, सेकेंड NO2 और थर्ड है O2, यानी 1 2 3 आंसर हो जाएगा, आंसर्स आर 1, 2 एंड 3, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें मोर देन वन का, फॉस्फीन इज ऑब्टेंड बाय द रिएक्शन व्हेन, वाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विद NH, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन लिखा है, PH3+NH2PO2 से फॉस्फीन बनता है, कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, CA3P2, इसको जब 6 moles ऑफ वाटर के साथ आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में 2 moles ऑफ PH3 गैस इवॉल्व होता है बच्चों, ठीक है। P4 सॉलिड व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH प्लस वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो यहां पर NaH2PO2 और साथ में बच्चों फॉस्फीन PH3 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है डियर। थर्ड कह रहा है रेड फॉस्फोरस NaOH के साथ हीट करेंगे तो नहीं बनेगा, फॉस्फोरस इज हीटेड इन करंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे फॉस्फोरस को तो भी नहीं बनेगा PH3, डायरेक्ट नहीं बनता ये, नॉन मेटल है, रिएक्टिविटी कम होती है फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी कैसी बेटा, कम है, इसलिए हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो सेकंड में अगर बात करें तो आंसर होंगे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शंस ओनली फॉस्फीन प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट थर्ड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद एक्सेस ऑफ NaO सॉल्यूशन, तो वाइट प्रेसिपिटेट कौन कौन देंगे बेटा NaOH सॉल्यूशन की एक्सेस के साथ, तो Al+3 NaOH के साथ नहीं देगा, NH4OH लेना पड़ेगा, NaOH के साथ तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये, ठीक है, Zn+2 के साथ NaOH नहीं दे पाएगा, NH4OH के साथ लेना पड़ेगा, कैडमियम के साथ बिल्कुल दे देगा बेटा क्योंकि कैडमियम किस ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप में है, ठीक है, Copper+2 की रिएक्टिविटी कम है, कैडमियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए कैडमियम हाइड्रोक्साइड का वाइट PPD बन सकता है, केवल कैडमियम हाइड्रोक्साइड का ही वाइट PPD ऑब्टेन हो सकता है, बाकी किसी का वाइट PPD नहीं बनेगा, ठीक है, बाकी सारे NH4OH की प्रेजेंस में ही वाइट PPD बनाते हैं, चाहे Al+3 को देख लो, चाहे Zn+2 को देख लो, चाहे Cu+2 को देख लो। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कंपाउंड एक्स कंसंट्रेट H3PO4 के साथ कंबाइंड हुआ है
तो H3PO4 के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है, और हीट अप किया जाएगा, कंपाउंड Y बनेगा, MnO2 और H प्लस मीडियम है, Z कंपाउंड बनेगा, कलर्ड पेपर बन रही है, और Y2Q AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा Q। क्या कह रहा है, प्रेसिपिटेट Q इज सॉल्यूबल पार्शियली इन एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनायन कैन नॉट बी, कह रहा है कैन नॉट बी मतलब हो नहीं सकता, क्लोराइड हो सकता है बेटा, क्लोराइड हो सकता है, और क्लोराइड की रिएक्शन जब आप AgNO3 से करेंगे तो AgCl का वाइट PPD बनता है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बेटा अमोनिया में डिजोल्व हो जाता है, ब्रोमाइड हो सकता है बेटा, ये AgBr का लाइट येलो PPD बनाता है और ये भी अमोनिया में पार्शियली डिजोल्व हो जाता है, AgI तो बिल्कुल ही डिजोल्व नहीं होता और फ्लोराइड भी डिजोल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आयनिक कंपाउंड बना लेगा, या कह सकते हैं कि फ्लोराइड मोर रिएक्टिव होता है बेटा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ऑक्सीडाइजेंट नहीं बन सकता ये। नेक्स्ट, तो आंसर्स यहां पर बेटा क्या क्या जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ, कौन कौन से, आयोडाइड एंड फ्लोराइड, ये दोनों कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे, इसलिए आंसर जाएंगे 3 एंड 4। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन एक्वस मीडियम विल गिव ए रेड कलर प्रेसिपिटेट, तो रेड कलर प्रेसिपिटेट किन किन का बनता है बच्चों, ध्यान रखें सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, निकल जब DMG के साथ कंबाइंड होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, चेरी रेड कलर कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखेंगे चेरी रेड कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला बनता है NiDMG का होल ट्वाइस, ये चेरी रेड कलर कॉम्प्लेक्स तो Ni+2 के साथ बनता है, फिर कह रहा है FeSCN के साथ तो कॉम्प्लेक्स बनता है FeSCN का होल ट्राइस फेरिक थायोसाइनेट, ये भी ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये भी रेड कलर का होगा, और Epcl3 एसीटेट के साथ तो ये भी फेरिक एसीटेट का रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना लेता है बेटा, तो 1, 2, 3 तीनों में ही रेड कलर है, फॉर्मेट के साथ रेड कलर नहीं बनेगा, ठीक है, हाँ फॉर्मेट है, ये भी एसिड ही है, ये भी बना लेगा, तो आंसर फोर्थ भी आ सकता है बेटा, यहाँ पर भी सिमिलर एसिटिक एसिड की तरह ही कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह से, ये भी रेड हो सकता है, तो आंसर जाएगा 1, 2, 3, 4, इस तरह के आंसर्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है डियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड प्रेसिपिटेट डिजोल्व इन अमोनिया, सॉरी डिजोल्व इन HNO3, HNO3 में डिजोल्व कौन कौन होगा, निकल सल्फाइड डिजोल्व हो जाता है, याद रखना है, मैग्नीज सल्फाइड डिजोल्व हो जाता है, कॉपर सल्फाइड डिजोल्व हो जाता है, ये तीनों के तीनों डिजोल्व हो जाएंगे, मरकरी की रिएक्टिविटी कम होती है, कोवलेंट नेचर ज़्यादा होती है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, इसलिए HNO3 में डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है डियर, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ए 1.5 एम्पीयर करंट इज पास्ड फॉर सम टाइम थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ओके डियर, ठीक है, AgNO3 टू डिपॉजिट 0.54 ग्राम ऑफ सिल्वर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में सिल्वर की जो अमाउंट है या वेट दे रखा है 0.54 ग्राम, करंट जो दे रखा है वो है 1.5 एम्पियर, ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, तो सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करना है और टाइम पूछ रहा है, तो फेराडे लॉ लगा दें, W/E इज इक्वल टू दी IT/F, ठीक है डियर, तो W कितना है 0.54, इक्विवेलेंट मास सिल्वर का हो जाएगा 108, इक्वल टू दी I 1.5 एम्पियर, टाइम कैलकुलेट कर लें यहाँ से, फेराडे कितना होता है बेटा 96500 कूलम, यहाँ से आप इजीली टाइम निकाल सकते हैं, और ये जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा बच्चों, ये टाइम आपको मिलेगा सेकंड में, इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जिस ऑप्शन में पूछा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो यहाँ से टाइम जो मिलेगा वो 321.67 आएगा, टाइम आएगा यहाँ से, टाइम मिलेगा 321.67 सेकंड, इस तरह का टाइम मिलने वाला है, और चार्ज के लिए बात करें तो डायरेक्ट हो जाएगा इसी से,
डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल टू द क्यू बाई एफ, डब्ल्यू कितना है 0.54, इक्वलेंट मास 108, क्यू कैलकुलेट करना है, फेराडे कितना है 96500, यहाँ से क्यू कैलकुलेट कर लें वही आपका आंसर होगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कूलम में 482.5 कूलम के इक्वल आएगा। इस तरह से आपको आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स आर 3 और 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से मैंने दोनों को सॉल्व कर लिया है, टाइम को भी और चार्ज को भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था SO2 इवॉल्व नहीं होता, लेड सल्फेट बनता है दोनों इलेक्ट्रॉनों पर, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है, बिल्कुल सही है, वाटर भी बनता है सॉल्यूशन में, तो आंसर हो जाएंगे 2, 3 और 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 8, आंसर्स आर 2, 3 और 4। देन क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट Ni+2 to Ni वोल्टेज दे रखा 0.25 वोल्ट, Cu+2 to Cu SRP दे रखा 0.34, Ag+2 to Ag SRP दे रखा 0.80 वोल्ट, Zn+2 to Zn SRP दे रखा है माइनस का 0.76 वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विल नॉट टेक प्लेस इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो इस कंडीशन में कौन कौन सी रिएक्शन है जो कि कंप्लीट नहीं होंगी, उसके लिए आपको देखना है E0 सेल का मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव आ गया तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, देख लेना E0 सेल किस किस रिएक्शन के लिए आपको पॉजिटिव मिल रहा है वो तो कंप्लीट हो जाएगी, और जहां पर E0 सेल नेगेटिव मिलेगा ऐसा रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का कंसेप्ट क्या है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर कंप्लीशन, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन नॉट कंप्लीटेड, ये कंसेप्ट रहेगा। तो E0 सेल कैलकुलेट कर लेंगे E कैथोड माइनस E0 से, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से आप E0 सेल चेक करते जाएं और यहां से आप आंसर चेक कर लेंगे बच्चों, ठीक है डियर। आगे चलें, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, बाय द पैसेज ऑफ 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी, 1 फेराडे चार्ज अगर पास किया जाए तो कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा आपसे पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन वाइज इसको चेक करेंगे आप, ऑप्शन वाइज आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को सॉल्व करते जाएं फेराडे लॉ से। क्वेश्चन नंबर 10, तो बच्चों 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 1 फेराडे से, तो W अपॉन एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास होगा 27/3 इक्वल टू दी चार्ज 1 फेराडे, क्यू कितना लेंगे 1 फेराडे अपॉन फेराडे कट जाएगा, यहाँ से 9 बच रहा है तो W इक्वल टू 9 ग्राम आ रहा है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन सॉल्व करो, 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस इज इवॉल्व, तो मोल इंटू वैलेंस वेक्टर ऑफ O2 4 लेंगे और चार्ज 1 फेराडे कट जाएगा, यहाँ से मोल्स कितना रहेगा 1/4 मोल्स आ रहा है, और NTP पर बेटा 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22/4 लीटर, तो 1/4 मोल गैस का वॉल्यूम होगा 1/4 × 22/4 यानी कि 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस, ये भी सही है बेटा। थर्ड ऑप्शन देख लें, 0.5 मोल ऑफ कॉपर, तो मोल्स इंटू बैलेंस फैक्टर कॉपर का होगा 2, चार्ज 1 फेराडे कट जाएगा, यानी कि मोल्स ऑफ कॉपर 1/2 आ रहा है, मोल्स ऑफ कॉपर 1/2, ठीक है, तो 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ है, ये भी सही है बेटा 0.5 मोल ऑफ कॉपर। नेक्स्ट 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम इज डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर भी वही रहेगा, मोल्स कैल्शियम का बैलेंस फैक्टर भी 2 होता है बेटा, ठीक है, और ये 1 फेराडे करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, तो कैल्शियम के मोल अगर बात करें तो ये भी 1/2 यानी कि 0.5 मिलेंगे, इसलिए सारे सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th में 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O5 गैस गिव्स 4NO2 + O2 में डिसोसिएट हुआ है, ओके डियर, ऑप्शंस चेक करें, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, देख सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आप इसको, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जब के की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है 2.303/(t) log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन C0 / C0 - x, तो ये log base की टर्म में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है बेटा,
ठीक है, इसको लॉग बेस ई की टर्म में भी लिख सकते हैं आप, के इज इक्वल टू दी वन बाई टी लॉग बेस ई, ये एक्सपोनेंशियल को शो कर देता है, सी नॉट अपॉन सी नॉट माइनस एक्स, यानी कि ए अपॉन ए माइनस एक्स भी लिख देते हैं, इसलिए कह रहे हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। फिर कह रहा था हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि के का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 0.693 अपॉन के पे। तो एक बात ध्यान रखें, के बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो के बढ़ेगा तो हाफ लाइफ क्या होगा, घटेगा, इसलिए सेकंड भी सही है। थर्ड, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा है, देख सकते हैं क्या एसटी आपके फॉर्मूले में स्मॉल ए आ रहा है कहीं पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इसलिए गलत बात है। फोर्थ के तहत रिएक्शन प्रोसीड 99.6 कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ्स, तो 8 हाफ लाइफ्स के बाद ये रिएक्शन कितना कंप्लीट होगा, 99.6%, ये आप इस रिएक्शन से फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं यहां से 100 अपॉन 100 माइनस 99.6 करके रख लेना, ठीक है, और के की वैल्यू तो आप वहां से कैलकुलेट कर ही लेंगे, या टी टाइम के की हेल्प से हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, ठीक है डियर, तो 8 हाफ लाइफ्स की बात कर रहा है, पहले के से हाफ लाइफ निकालेंगे और 8 हाफ लाइफ्स, 8 टाइम्स हाफ लाइफ के इक्वल टाइम रख देंगे यहां पे, 8 इंटू टी हाफ, टाइम जो लेंगे वो हाफ लाइफ का 8 टाइम्स ले लेंगे बेटा, यहां से अपने को चेक करना है कितने परसेंटेज कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, यानी कि 11th क्वेश्चन में आंसर 1, 2, 4 दिया जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है बेटा, ठीक है डियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों, फॉर गिवन पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन दे रखा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं अपन इसके लिए और डिफरेंशियल इक्वेशन भी करते हैं, तो ए से 2b और 3c का फॉर्मेशन हुआ है, इधर बात करें तो 4d प्लस ई का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, ठीक है, ये k1 है, ये k2 है, मतलब इस तरफ वालों के लिए तो k1 काम में आने वाला है, इस तरफ वालों के लिए k2 का फ्रैक्शन काम में आने वाला है, तो परसेंट जो बी जो मिलने वाला है, परसेंट जो बी जो मिलेगा ये डिपेंड करेगा k1 पर, तो k1 अपॉन k1 प्लस k2 और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा दोनों में इक्वली, ठीक है, तो हाफ हाफ जब जाएगा तो इसको कहेंगे अपन, यानी कि इधर तो कितना है, 2 + 3 5 मोल्स है और इधर भी 5 मोल्स है, देखो बेटा इसके 1 मोल से इसका 5 मोल्स, इसके 1 मोल से इसका 5 मोल्स, मतलब 1 कितने में डिवाइड हो रहा है, 5 में, मतलब फ्रैक्शन कितना जा रहा है, 1/5, 1/5 मतलब 0.2, यानी कि 20% फ्रैक्शन जा रहा है यहाँ से, 0.2 यानी कि 20% फ्रैक्शन एक के लिए जा रहा है सिंगल के रेस्पेक्ट में, तो इसका 2 टाइम्स होगा, मतलब 2 × 20 ये तो कितना मिलने वाला है, 40%, ये 3 टाइम्स होगा तो 3 × 20 60%, ये 4 × 20 80% मिलना चाहिए, डी ई ये कितना मिलना चाहिए, 20 × 1 यानी कि 20% मिलना चाहिए, तो आपके आंसर्स में परसेंट जो बी तो मिलना चाहिए 40% ऑफ k1 अपॉन k1 प्लस k2, बी तो मिलेगा 40% ऑफ k1 अपॉन k1 प्लस k2, डी मिलेगा 80%, बिल्कुल सही है, डी मिलेगा 80% ऑफ k1 अपॉन k1 प्लस k2, और हाँ इसका ध्यान रखना डी के लिए k2 कम आएगा, तो k2 अपॉन k1 प्लस k2, और सी की बात करें तो परसेंटेज ऑफ सी, इसके लिए k1 कम आएगा और 60% कम आ रहा है, तो 60 k1 अपॉन k1 प्लस k2, इस तरह से परसेंटेज ऑफ सी निकाल सकते हैं बेटा, परंतु ई का गलत है, 20 आना चाहिए था, वहां पे 10 आ रहा है, तो आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 आर 1, 2 एंड 3, ठीक है डियर। आगे चलें, ये थे क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे मल्टीपल चॉइस, यानी कि मोर देन वन आंसर्स की बातें कर रहे हैं अपन। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, सेलेक्ट द फ्लो डायग्राम, सेलेक्ट द फ्लो डायग्राम विच आर करेक्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि स्टेप्स को सेलेक्ट करना है, कौन कौन से स्टेप्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए करेक्ट हैं, सही हैं, ऐसा आपको यहां से देखना है बेटा। तो अच्छे से आप इन स्टेप्स को देखते चलें,
स्टेप्स को कंप्लीट चेक करें, ठीक है डियर। क्वेश्चन नंबर 13, टिन स्टोन मतलब SNO2, SNO2 कैसा है, मैग्नेटिक नेचर का होता है बेटा, ठीक है। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन करेंगे, इसके बाद कंसंट्रेशन किससे करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से, बिल्कुल सही बात है। फिर सेल्फ रिडक्शन तो हो नहीं पाएगा, गलत बात है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर, पहला गलत है। इसमें कार्बन से रिडक्शन करना चाहिए था। सेकंड में कह रहा है रेड बॉक्साइट यानी कि Al2O3.2H2O, सर्फेक प्रोसेस ले रहा है, एल्यूमिना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेगा, बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम इम्प्योर रेफाइन करेगा, एल्यूमिनियम प्योर मिल जाएगा, बट सर्फेक प्रोसेस नहीं लेंगे। यहाँ पर रेड बॉक्साइट है तो रेड बॉक्साइट के लिए सर्फेक प्रोसेस नहीं लेते बेटा, सिलिका की इम्प्योरिटी होती है तो सर्फेक प्रोसेस लेते हैं, वो भी वाइट बॉक्साइट में। सर्फेक प्रोसेस लिया जाएगा बेटा, जनरली अपन वाइट बॉक्साइट के लिए काम में लेते हैं, रेड बॉक्साइट के लिए बेटा जब हेमेटाइट की इम्प्योरिटी होती है तो अपन काम में लेंगे हॉल्स प्रोसेस, यहाँ काम में लेना चाहिए तो हॉल्स प्रोसेस। थर्ड में गैलेना, गैलेना कौन है, PBS, सल्फाइड ओर है बेटा ये, सल्फाइड ओर के लिए क्या करेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन, सही बात है, फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे PBS, ठीक है। रोस्टिंग होगी सल्फाइड ओर के लिए O2 की प्रेजेंस में, PbOSO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है डियर। फिर PB इम्प्योर मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, PB प्योर, यानी कि थर्ड इज करेक्ट, आंसर शुड बी थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ गैलेना, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखें, हेमेटाइट Fe2O3 लीचिंग कर रहा है, NO से गलत बात है, Al2O3 के साथ लीचिंग होती है। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड या फिर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लेबिगेशन यूज करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कैसीटेराइड मतलब SNO2, SNO2 में मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो SNO2 तो खुद ही सब क्या और है, इसमें मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होती है बेटा आयरन टंगस्टेट और मैग्नीज टंगस्टेट, यानी कि 1 और 2 की होती है बेटा, तो Fe2O4 और MnWO4 ये दोनों इम्प्योरिटीज होंगी बेटा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी 14th क्वेश्चन में, 1 और 2 आर आंसर्स। 15th को देखें, द स्पीसीज विच रिएक्ट विद सिलिका यानी ग्लास इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वाटर की प्रेजेंस में सिलिका या ग्लास के साथ HF रिएक्ट करता है, बिल्कुल सही है, H2SiF6 बना लेता है क्योंकि फ्लोरीन डोनेटिंग रिएजेंट है, HF SiO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है और H2SiF6 फ्लोरोसिलिसिक एसिड बना लेता है। HCF2 भी बेटा फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये भी इसके साथ रिएक्ट करके SiF4 का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, HCF4 भी फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये भी कर सकता है, ये भी रिएक्शन कर लेगा, और HCF6 भी फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, फ्लोरीन देने वाला है, ये भी रिएक्शन कर लेगा, यानी कि सारे के सारे रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 15, 1, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 15, ऑल कैन रिएक्ट विद SiO2 बिकॉज ऑल आर फ्लोरीन डोनेटिंग एजेंट्स, फ्लोरीन डोनेट कर सकते हैं जो कि SiF4 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है डियर। ये था मोर देन वन, लास्ट सेक्शन डी इंटीजर्स की बात कर लें बच्चों, तो बहुत ही इजी इंटीजर्स हैं आपके सारे, देखें क्वेश्चन नंबर 1, द जनरल फॉर्मूला पॉलीथायोसाइनेट आयन इज SN, S के बेस में सल्फर के बेस में दे रखा है N+2 O6-2, तो बेटा ये डाइथायोनिक एसिड का या पॉलीथायोनिक एसिड का फॉर्मूला है, पॉलीथायोनेट आयन है ये, तो पॉलीथायोनेट आयन में N की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, पढ़ें पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से, फिर देखेंगे क्या क्या आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला दे रखा है SN+2 O6-2, ठीक है, तो बच्चों एक एसिड ले रहे हैं अपन H2S2O6, ये डाइथायोनिक एसिड है और डाइथायोनिक एसिड में सल्फर का बंधक्रम एक सिंगल बॉन्ड आएगा, स्ट्रक्चर होगी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH बनेगा, तो आपको SO बंधक्रम देखना है, ये SO है, ये SO है, ये SO है और ये भी SO है, तो यहाँ से SO बंधक्रम जब देखेंगे
तो बेटा सिंगल के रेस्पेक्ट में बात कर लें तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड चेक करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा एंड 2 पाई अपॉन सिग्मा, यानी 6/4, यानी कि कितना हो गया 3/2, यानी कि 1.5 आ रहा है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है यहाँ पर 1.5, ठीक है डियर। ठीक है, इसी तरह से एन वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। तो यहाँ एन वैल्यू अगर 4 पुट करके देखें, ये बनेगा S4O6-2 टेट्राथायोनेट। यहाँ पर 4 एटम्स ऑफ सल्फर पार्टिसिपेट करेंगे, ये डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ नेगेटिव और यहाँ पर ओ नेगेटिव। यहाँ पर भी अगर आपको एस ओ बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है तो बच्चों सल्फर परमाणु की औसत ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 4 एटम्स ऑफ सल्फर हैं, और यहाँ से चार्ज देखें तो -2, -2, -1, तो -2 से +2, -2 से +2, और ये +5 आएगा, इधर भी +5 आएगा, तो नेट चार्ज आएगा 10/4 सल्फर के लिए एवरेज। 10/4 का मतलब कितना है, 2.5। और बॉन्ड ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं आप, कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, और इधर भी ऐसा ही देखेगा 1, 2, 3, 4, तो 1.25 + 1.25 यानी कि 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो एस ओ बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे 2.5, और सल्फर की एवरेज भी कितनी आ रही है, 2.5 इक्वल आ रही है। ऐसे केस में एन वैल्यू बेटा 4 आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 0.4। फर्स्ट इंटीजर का आंसर होगा बेटा 0.4, क्योंकि सल्फर का एवरेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, यहाँ से देख सकते हैं एवरेज ओएस कैसे निकालते हैं। एक्स मान लें सिंगल सल्फर का, तो 4x - 6x सल्फर का कितना होगा, ऑक्सीजन के लिए -12 और ये -2, ये इधर चला जाएगा तो 4x = 14/4 आ जाएगा, नहीं 10/4, सॉरी प्लस में हो जाएगा, और 10/4 को क्या कहेंगे, ये 4 है ना इधर, तो x = 10/4 यानी 2.5। ये आपको सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन मिल रही है हमें। इस तरह एस ओ बॉन्डर चेक कर लेंगे बेटा, एस ओ बॉन्डर इधर भी है और इधर भी है, तो नेट बॉन्डर देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 सिग्मा + 2 पाई, तो कितना बच रहा है, 6/1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये एस ओ नहीं है ध्यान रखें इसका, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, सिग्मा कितना आ रहा है 3 और पाई कितना है 2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है, और पाई 2 है परंतु सिग्मा 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी ये सल्फर तो सिग्मा बना ही रहा है, 4 + 1 = 5, ठीक है, अपॉन 2, 5/2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ से एस ओ बॉन्ड कितना आ रहा है, क्योंकि उधर एस ओ नेगेटिव में है, ठीक है, इस तरह से 2.5 इस तो बॉन्ड ऑर्डर है, N = 0.4 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें, XeFn, तो A से E में N वैल्यूज 4 कह रहा है, तो N वैल्यू 4 रख के आप इजीली सारे ऑप्शंस को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक है, तो N वैल्यू 4 करके और P अपॉन Q का रेशो आपको चेक करना था। यहाँ से जब रेशो देखेंगे तो आपको इसका रेशो बेटा 4 आना चाहिए, आपको P और Q का रेशो 4 मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है डियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया आपने, आंसर 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ मेनी प्रेसिपिटेट्स आर येलो कलर्ड, देखें HgO येलो नहीं हो सकता, ब्लैक कलर बन सकता है, Ag2CrO4 ब्रिक रेड कलर का बनता है, Fe3PO4 ये येलो कलर का बनता है, PbCrO4 येलो कलर का बनता है। तो काउंटिंग लिखते चलते हैं अपन, एक तो हो गया Fe3PO4 येलो, लेड क्रोमेट येलो कलर, देन Ag3PO4 ये येलो होगा, मरकरी का क्रोमेट, एक AgI येलो कलर होगा, PbI2 येलो कलर होगा, अमोनियम मोलिब्डेट ये भी येलो कलर होगा,
ये भी येलो है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 येलो हो गए। और हाँ Hg2CrO4, ये क्रोमेट भी कैसा होगा, येलो कलर्ड होगा, ठीक है डियर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कंपाउंड्स आर येलो कलर्ड, देन थर्ड आंसर आएगा बेटा 07। आगे चलें, फोर्थ क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पे था वो कंपाउंड देंगे जो आयनिक नेचर के होंगे, आयनिक नेचर के जितने भी कंपाउंड हैं वो आपको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। NaCl देगा, ठीक है, क्लोराइड के लिए है तो क्लोराइड टेस्ट देखना चाहिए, ब्रोमाइड नहीं देगा, आयोडाइड नहीं देगा, कैल्शियम क्लोराइड भी आयनिक है ये दे देगा, PbCl4 कोवलेंट है, SnCl4 कोवलेंट है, मर्क्यूरी क्लोराइड कोवलेंट है, HgCl2 कोवलेंट है, AgCl भी कोवलेंट है। तो ओनली NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड टू कंपाउंड्स आर NaCl एंड CaCl2, ये दोनों बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देंगे, इसलिए आंसर जाएगा 02 इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ओनली NaCl एंड CaCl2 क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फाइव, कितने एसिडिक रेडिकल कंसेंट्रेट H2O4 के साथ कलरफुल गैस देते हैं, फ्लोराइड नहीं देगा, क्लोराइड HCl गैस देता है, ये नहीं देगा, ऑडरलेस कलरलेस, हाँ ब्रोमाइड देगा Br2 रेडिस ब्राउन कलर्ड गैस, तो एक तो हो गया ब्रोमाइड, Br- देता है, देन I- देता है बॉयलेट कलर्ड I2 गैस, एसीटेट ये भी नहीं देगा, सल्फाइड ये भी नहीं देगा, NO2- ये भी नहीं देगा, नाइट्रेट ये दे देगा, हाँ NO2- भी दे सकता है बेटा, कंसेंट्रेट के साथ दे सकता है, ये भी दे सकता है, सल्फाइड नहीं देगा, क्रोमेट नहीं देगा, पहले से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO4- भी नहीं देगा, कार्बोनेट भी नहीं देगा, तो फोर आंसर आ सकते हैं, एक तो ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा और ये देगा, तो आंसर जाएगा बेटा 04, आंसर इज 04, ब्रोमाइड आयोडाइड नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये NO2 गैस रिलीज करता है, ये भी NO2 गैस रिलीज करता है जो कि रेडिस ब्राउन होती है, ठीक है डियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सेल्सियस पर एक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे रखा है 0.177 वोल्ट, ठीक है, तो pH की कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कुछ ना कहे तो रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे बच्चों, और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में रिएक्शन लिखेंगे, 2H++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल 0 होता है बेटा, इसलिए ई सेल इक्वल टू दी -0.0591/n वैल्यू, 2H+ है इसलिए 2 ले लेंगे और सिंगल H+ है तो 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log base 10, ये तो 180 होगा, अपॉन में क्या चला जाएगा 1/H+n, ई सेल दे रखा है बेटा माइनस का 0.177, ये हो जाएगा -0.0591/1, ये log base 10, 1/ कंसेंट्रेशन ऑफ H+n, ठीक है डियर। अब इसको लिख लेंगे 0.177 इक्वल टू दी -log of, इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 0.0591 log H+n को ऊपर ले जाओ, ठीक है डियर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.177 इज इक्वल टू द माइनस, इसको नीचे ले आओ 0.0591, इधर क्या बच रहा है -log of H+n, और ये -log of H+n तो pH होता है, तो जितना भी यहाँ से डिवाइड करने पर आएगा वही क्या है pH का वैल्यू है बेटा, ठीक है डियर। तो लगभग 2 के आसपास दिख रहा है, तो यहाँ से pH की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा, ठीक है डियर। तो आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखना, यहाँ से जो आंसर आएगा वही pH का आंसर जाएगा बेटा, हाँ वहाँ तो 1:1 आता है, ये 3 times ही कटेगा बेटा, ठीक है, 6 3 18 लगभग 0.18 है ना, इसलिए pH = 3 आएगा, pH = 3 आ जाएगा, 6th क्वेश्चन में आंसर जाएगा 0.3। 7th क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 इंटीजर के लिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्व सोल्यूशन ऑफ HA इज 200 ohm-cm² mole-1, pH ऑफ सोल्यूशन इज 4, ठीक है, तो pH से आप कंसेंट्रेशन ऑफ H+n निकाल सकते हैं, 10^-4 आ जाएगी, ठीक है डियर। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में,
पाई एम इन्फिनिटी आपको दे रखी है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, पाई एम इन्फिनिटी कितनी दे रखी है वीक एसिड के लिए 200, पाई एम है इन्फिनिटी नहीं है, 200, पीएच दे रखा है एसिड का 4, तो H प्लस एन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी 10^-4, ठीक है। पीके पूछा हुआ है तो पीके निकालने के लिए के पता होना चाहिए, उसके लिए अपने को पाई एम की हेल्प से पहले कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एच ए कैसा है, ये एच ए वीक एसिड है बेटा, तो पाई एम इक्वल टू द के इन टू 1000/m होता है, या ऐसा करते हैं क्या अल्फा निकालने के लिए कोई हिंट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है आपको पाई एम इन्फिनाइट निकालने के लिए हिंट दे रखा है बेटा, तो पहले पाई एम इन्फिनाइट निकालने, पाई एम तो दे रखी है, पाई एम इन्फिनाइट फॉर एच ए कैसे निकालेंगे, एच ए चाहिए तो एन ए ए और एच सी एल को जोड़ देंगे और एन ए सी एल को माइनस कर देंगे, यानी कि 425+100 माइनस क्या कर दोगे 125, यहाँ से 525 में से 125 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 400 बचेगा, ये पाई एम इन्फिनाइट आ जाएगा, और यहाँ से पाई एम अपॉन पाई एम इन्फिनाइट ये कर देंगे तो अल्फा मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 200/400, तो अल्फा आ गया कितना 1/2 मतलब 0.5, 50% अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। एच प्लस एन पता ही है तो एच प्लस एन इक्वल टू सी अल्फा लगा दो, एच प्लस एन इक्वल टू सी अल्फा, एच प्लस एन कितना है 10^-4, सी कैलकुलेट कर लें, अल्फा कितना है 0.5, यहाँ से सी आ जाएगा 10^-4/0.5 यानी 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2×10^-4 ये कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है डियर। फाइनली एक फॉर्मूला लगा देंगे वीक एसिड के लिए, पी एच इक्वल टू दी हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, पी एच कितनी है 4, हाफ पी के कैलकुलेट करना है बेटा, माइनस हाफ लॉग सी कितनी आई है देख लो आप, सी आ चुका है 2×10^-4, यहाँ से सॉल्व करें और पी के का वैल्यू फाइंड कर लें, ये सॉल्यूशन होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 एम्पियर करंट वाज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्ट ऑफ पी डी प्लस एन। ओके, फेराडेज लॉ का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए W/E और पैलेडियम का एटॉमिक मास है 106.4, तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर जिसको N लिख लिया जाए, वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, पैलेडियम का मास डिपॉजिट कितना कर रहा है वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट 2.977 ग्राम इक्वल टू दी करंट दे रखा है 3 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड, अपॉन फेराडे रख दो 9600, यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड कर लो, एन वैल्यू 4 आ जाएगा, आंसर जाएगा 04। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए एन टू एन ए बन रहा है, ठीक है डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है तो हाफ डिसोसिएट हो गया है, तो बच्चों जो इंटरसेक्ट है जहां पर ये कैंसिल कट कर रहे हैं दोनों, वहां पर इसकी कंसंट्रेशन अगर देखी जाए तो टाइम विच 1/6 टू रिएक्टेंट इज डिकम्पोज, 1/6 डिकम्पोज कर रहा है तो वैल्यू ऑफ एन क्या होगा, ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है डियर। तो रिएक्शन है ए एन, ये डिसोसिएट हो रहा है बेटा, एन ए में बन रहा है, ठीक है ये सपोज करो 1 मोल है, ये 0 इनिशियली, ये डिकम्पोज होगा 1-1/6, ये 1/6 बनेगा, बट कितना n टाइम्स बनेगा,
ठीक है, तो यहां से कंसंट्रेशन कितनी बचेगी बेटा, यानी एन बाई सिक्स रह जाएगी, और ये वन बाई सिक्स मतलब फाइव बाई सिक्स रह जाएगा, ये फाइव बाई सिक्स रह गया, ये वन बाई सिक्स रह गया, एन बाई सिक्स रह गया एक। ठीक है, तो फाइनली एन का मान पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, के का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है, ठीक है डियर, तो इक्विलिब्रियम पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसने जो कंडीशन दे रखी है ग्राफ में ये इक्विलिब्रियम की है बेटा, और इक्विलिब्रियम पर क्या कर देंगे, फाइव बाई सिक्स जो अमाउंट बच रहा है ये किसके बराबर बच रहा है, उधर एन बाई सिक्स के बराबर, सिक्स से सिक्स काट दो तो यहाँ से एन का वैल्यू बेटा 0.5 आ जाएगा, इस तरह से आंसर जाएगा बेटा 0.5। ठीक है डियर, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, अंडर सेम कंडीशंस इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 2.77, रिएक्टेंट ए बिकम 1/4 इन 100 सेकेंड एंड इन 50 सेकेंड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड के नॉट अपॉन के वन, यानी जीरो ऑर्डर के को डिवाइड करना है के वन से। ठीक है, तो आप अलग अलग बेटा क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन की हेल्प से, और टाइम दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखी है 1/4 डिसोसिएट करना है, और एक बार फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में तो 1/4 कर रहा है 100 सेकेंड में, तो के की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से, और जीरो ऑर्डर में एक्स इक्वल टू के टी रख के, यानी कि ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी रख के जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसमें डिसोसिएट कितना कर रहा है, 1/4 ही डिसोसिएट कर रहा है, दोनों में 1/4 डिसोसिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो के वन 2.303 अपॉन टाइम 100 सेकेंड लेना है, लॉग बेस 10, तो ये तो ले लेंगे ए अपॉन ए माइनस ए बाई 4, इस तरह डिसोसिएट कर लेना, यहाँ से के वन आएगा, और जीरो ऑर्डर के लिए लिखेंगे बेटा एक्स इक्वल टू के टी, और एक्स कितना लेना है ए बाई 4, इसको इनिशियल कंसेंट्रेशन का, और ए कितनी दे रखी है आपको 2.772 अपॉन 4 टाइम्स, टाइम दे रखा है, यहाँ से के नॉट निकाल लेंगे, और टाइम की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, तो जीरो ऑर्डर के लिए तो लेंगे 50 सेकेंड, यहाँ से के नॉट निकाल लेंगे, यहाँ से के वन निकाल लेंगे, और जेड फाइंड करना है तो दोनों का रेशो कर देंगे के नॉट अपॉन के वन, इस तरह से अपन यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है डियर, ये था जेई एडवांस के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, हमने इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखे, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा, कहीं भी कोई करेक्शन नहीं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।